कल्याण शील फाटा डायघर स्थित गणपति मंदिर परिसर में नवी मुंबई की रहवासी 30 वर्षीय अक्षता मात्रे की मंदिर के ही पुजारी और उनके दो अन्य साथियों द्वारा किए गए गैंग रेप और हत्या की घटना से आज संपूर्ण नवी मुंबई दहल चुकी है। इस गंभीर और संवेदनशील घटना को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा ने कोबेखैरने स्थित पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, जहां उनके साथ महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष अनिकेत मात्रे और कई महिला पदाधिकारी उपस्थित थीं। घरेलू हिंसा के शिकार पीड़िता अक्षता मात्रे के साथ हुई इस दुखद घटना से आहत अलका लांबा ने सरकार को घेरते हुए इस विभत्स घटना की कड़ी जांच के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही इशारा दिया कि अगर प्रशासन ने कोताही बरती तो महिला कांग्रेस के माध्यम से सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। नई मुंबई में जो है, यहाँ पर अक्षिता नाम की एक 30 साल की महिला, जिसका 3 साल का बेटा भी है, वो 6 तारीख को घर से लापता होती है। चाचा ने बताया है, बहन ने बताया है कि 6 तारीख को ही 2 बजे थाने में जाकर लापता की हमने रिपोर्ट लिखवा दी थी। 6, 7, 8 3 दिन तक महिला को नहीं खोज पाए कि वो महिला क्यों, कहाँ, किस हालात में है। अगर वो पहले खोज ली गई होती तो शायद वो हमारे बीच में सही सलामत और जिंदा होती, लेकिन खोजबीन में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। 4 दिन तक महाराष्ट्र के इन्हीं इलाकों में वो थी और उनके मोबाइल भी थे, अंतिम लोकेशन भी पता की जा सकती थी, लेकिन सब में मुझे लगता है लापरवाही की गई कि 4 दिन के बाद 9 तारीख को बताया जाता है कि उसका शव मिलता है। 10 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे हाथ में है, जो बताया गया उसमें हेड इंजरी, ब्लंट ट्रोमा टू चेस्ट, छाती पर उसकी चोटें हैं, और इंजरी टू जेंटल्स की उसके गुप्त अंगों में भी गंभीर चोट है, ये दिखाया गया है। पेट पे बताते हैं घर जो है काफ़ी गहरा घाव था, जो बताया गया है 6 इंच के करीब, चाचा और बहन बता रहे हैं पेट के पास 6 इंच का घाव था, उसका जिक्र नहीं है इसमें, सिर्फ छाती, सर और गुप्तांग की बात की गई है। परिवार का ये कहना है कि वो लगातार घरेलू हिंसा की शिकार हो रही थी, उनसे पैसे की मांग की जा रही थी, वो बहुत बार अपना ससुराल छोड़ के मायके 2-2 महीने रही हैं, बातचीत हो रही थी, समझाया जा रहा था, अंत में इतना उनको प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से कि वो घर छोड़ने को 6 तारीख को सुबह 6 बजे के करीब मजबूर होती है और वो घर छोड़कर जाती हैं। और 6, 7, 8 तक ससुराल पूरे पति ने क्या प्रयास किए, और उनके इनको है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, उन्होंने कोई प्रयास किया या नहीं किया, या इस पूरे घटनाक्रम में उनका हाथ है, यानी क्योंकि परिवार की पूरी शक की सुई जो है वो ससुराल और पति पर जा रही है। सो मेरा पुलिस से यही निवेदन है, पीड़ित परिवार है, माँ बाप ने अपनी बेटी बहन ने अपनी बहन और एक 3 साल के बच्चे ने अपनी माँ को खोया है, और एक जघन्य जो है तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई है, और इसकी जांच होनी चाहिए। परिवार जो चाहता है सीसीटीवी फुटेज देखिए और दिखाइए, ये उनका अधिकार बनता है कि हम नहीं चाहते कोई भी निर्दोष फांसी के तख्ते पर चढ़े, और ना ही हम ये चाहते कोई भी दोषी बच कर जाने पाए। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम परिवार के पूरी हर मांग के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस को हूँ, मेरी दोनों महिला अध्यक्ष, हमारी पूरी कार्यकारिणी इनके साथ खड़ी है, और जहाँ लगेगा परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी को बचाने की किसी दबाव में कोशिश हो रही है, तो महिला कांग्रेस बिल्कुल आंदोलन करेगी, सड़कों पर आएगी इस परिवार और बेटी को जब तक न्याय का हक नहीं मिल जाता, हम इस परिवार के साथ ताकत बनकर खड़े हैं। अलका लांबा ने सरकार पे कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य की माझी लाड़की बहन योजना चलाने की बजाय पहले सुरक्षित वातावरण दे, उन्हें महफूज रखें। आपकी योजनाएं, ये घोषणाएं खोखली साबित होती है। 9 साल की नाबालिग बेटी के साथ भी, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है, थाने की घटना है,
और ये महाराष्ट्र की नई मुंबई की एक दो घटनाएं नहीं है, 9 साल की बच्ची हो या 30 साल की महिला हो, सामूहिक बलात्कार, हत्याएं, घरेलू हिंसा लगातार बढ़ रही है। और ये सरकार मूकदर्शक बनकर इस तरह की मात्र खोखली योजनाओं और घोषणाओं के पीछे छुपना चाह रही है। हम इन्हें छुपने नहीं देंगे जब तक महाराष्ट्र की धरती हमारी हर माँ बहन और बेटी के लिए पूरी तरह जब तक सुरक्षित नहीं हो जाती, जब तक अपराधियों के मन में खौफ और डर पैदा नहीं हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आराम से अब बैठेगी नहीं, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, संसद का आपका विधानसभा का घेरा वो मुख्यमंत्री के रास्ते रोकने हो, कानून मंत्री से कहना हो, पुलिस प्रशासन को जवाबदेही हो, हम इन सबको सुनिश्चित करेंगे। महिला कांग्रेस अब सड़कों पर उतरेगी, अब बस, अब बहुत हो चुका है। अब हम नहीं चाहते कि कोई भी नाबालिग बेटी, हमारी बहन किसी तरह की घरेलू हिंसा, सामूहिक बलात्कार या हत्या की शिकार हो। इसलिए हम देश और समाज के लोगों से भी कहेंगे, पूरे महाराष्ट्र को कहेंगे कि हमारी और आपकी बेटी और बहनें हैं, जागिए, आइए सड़कों पर, करिए सरकार को मजबूर कि वो डर और खौफ इन अपराधियों के मन में पैदा कर सके, इस तरह के अपराध हमारी बेटियों के साथ ना हो पाए। इस दौरान अक्षिता मात्रे की भाभी ने आरोप लगाया कि उन्हें संदेह है कि अक्षिता मात्रे ससुराल के घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं और इसकी हत्या के पीछे उसके ससुराल वालों का हाथ है। लग्न झाल्यानंतर तीन वर्ष मध्ये असं झालं होतं, इथं घरी आणली होती, डिवोर्स पर्यंत बात पोचली होती, 2 महिने इथं राहिली होती, बट तिचा नवरा आला, सांगितलं का आम्ही असं करणार नाही, आता आम्ही संसार आमचा चांगला करू। त्यांच्या घरातल्यांना सगळ्यांना त्यावेळी बसवलेलं, मीटिंग घेतली, मामा सण वगैरे बोलवण केली आणि सांगितलं का त्यांच्या समोराला त्यावेळी बोललं सासूच्या वी का आता आम्ही असं वागणार नाही, आता तुमच्या मुलीला आम्ही नीट ठेवू, आम्ही आमचा ससर नीट करू, असे त्यावेळी आम्हाला बोलून सांगितलं का आता आम्ही संसार करू आणि आम्ही त्यांच्या विश्वास ठेवला आणि आमच्या पोरीला मुलगीला परत पाठवलं। आणि ती असं पण म्हणालेली जाता जाता बहिणीला, माझ्या तिच्या मैत्रिणीला, का बाळाचा विचार करूनच मी जगत आहे, बाळाचा विचार करूनच मी स्वतःला काही करणार नाही, माझ्याकडं स्ट्रेस एवढा आहे, या लोकं मला स्ट्रेस एवढा दिला आहे की एक दिवशी मी स्ट्रेस घेऊनच मरणार। बाळ आम्हाला एक दिवशी इथं आम्ही त्याला इथं आणलेला, मिसिंग झालती त्या दिवशी 6 जुलैला, तेव्हा बाळ असं म्हणाला होता की माऊला कापली, माऊला त्यावी अशी अशी करून कापली, असा बाळ म्हणाला। आमची हीच विनंती आहे की माझ्या दीदीला न्याय भेटला पाहिजे, पोलिसांची ही कारवाई झाली पाहिजे, मला तरी हत्याच वाटते, असं वाटतंय का सासूरवाडीच्या लोकांनी जे घडून आणलं आहे ही हत्या आहे, त्या तेच याला जबाबदार आहे। दीदीला तर खरं बोलायला गेलं तर पैशांसाठीच ठेवलं होतं, कारण की त्यांना इथून माझ्या मम्मी पप्पांनी जे पाहिजे ते दिलं होतं, आई बाप पण हेच विचार करत असेल जर मुलीला देत नाही तर कोणाला द्यायचं, त्यावेळी त्यांना खूप दिलं, त्यांचं सगळं ऐकलं, वाटलं नव्हतं असा दिवस येईल। छळ करणं म्हणजे काहीही बोलणं, तिला छोटे गोष्टीवरून त्या गोष्टी वाढवायच्या, तिला पाणी प्यायला त्यांची परवानगी लागत होती, तिला त्यावी खूप छळ केला आहे, मारणही केलं आहे तिच्यावर, तिला बोलून बोलून ताणे मारून मारून तिला त्यावी इमोशनली ड्रेन केलता, मेंटली ड्रेन केलता। तर माझा तर हाच हे आहे मुद्दा की तुम्ही त्यांच्यावर कडक कारवाई करा। माझा संशय सासूरवाडीवरच आहे की सासूरचेच लोक याच्यामध्ये सामील आहेत, आणि असं पण समजलं का शुक्रवार त्यांच्या घरात खूप मोठं भांडण झालं होतं, 15 दिवसापासून खूप भांडणं होत होती, पण शुक्रवारी खूप काही खूपच मोठा काहीतरी घडलं आहे, त्याच्यामुळे आज असा निर्णय आलेला आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।